झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज तड़के झारखंड समेत अनेक राज्यों के 18 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस महिला अधिकारी के ठिकानों पर भी हो रही है। ये महिला अधिकारी खूंटी में भी जिला उपायुक्त के पद पर तैनात रह चुकी हैं। अब तक हुई छापेमारी के दौरान उनके आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी आज देर शाम तक चलने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि आज तड़के छापेमारी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर के फरीदाबाद, गुरुग्राम, समिति, जयपुर, कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा और झारखंड की राजधानी रांची और उसके एक अन्य जिले खूंटी में भी हो रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में खूंटी जिले में हुआ 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला भी शामिल है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने खूंटी जिले में तैनात सहायक अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को कल कोलकाता से गिरफ्तार भी किया था। उससे पूछताछ के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। ईडी ने जब राम विनोद प्रसाद सिन्हा से पूछताछ की तो पता चला कि घोटाले के तार तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। हालांकि ईडी की जांच में ये भी आया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर पैसे नहीं लिए गए थे, लेकिन राम विनोद प्रसाद सिन्हा के जरिए कहीं न कहीं उपायुक्त कार्यालय को 5% कमीशन दिया गया था। उस समय आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल खूंटी की उपायुक्त थी। उनके पास मनरेगा के जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का प्रभार भी था। ईडी सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों पर छापेमारी हो रही है उनमें से कुछ के नाम अवैध खनन माइनिंग को लेकर भी सामने आए थे और इनमें से एक अधिकारी दूसरे जिले में तैनात था। पूजा सिंगल इस समय झारखंड सरकार में खनन सचिव पद पर तैनात हैं। ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि अब तक कई छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज तथा कुछ नकदी आदि भी बरामद हुई है। ये छापेमारी आज देर शाम तक चलने की संभावना है।